नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं kaushalmathi.com के समय न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड में माओवादियों ने गोइलकेरा पोसैता के बीच रेल लाइन को बम से उड़ाया, कई ट्रेनों का परिचालन ठप। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार रात करीब 11 बजे झारखंड के गोइलकेरा और पोसैता स्टेशनों के बीच बम विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ा दिया है। घटना के बाद हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद शुरू होते ही नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा व पोसैता रेलवे स्टेशनों के बीच पोल संख्या 356/29A और 31A के बीच थर्ड लाइन में विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ा दिया। मार्ग में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है, साथ ही घटनास्थल को बैनर व पोस्टरों से पाट दिया है। घटना की जानकारी मार्ग में दूसरी लाइन से गुजर रही एक मालगाड़ी के क्रू और गार्ड द्वारा नजदीकी स्टेशन को दी गई, जिसके बाद चक्रधरपुर रेल मंडल में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर तुरंत ही मार्ग में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए अब हम बात करते हैं मेरे सहयोगी राजन कुमार शर्मा से। राजन शर्मा जी बताइए, ये रात को पोसैता में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक उड़ाया है, क्या मात्र है वहाँ का, अभी का स्थिति क्या है वहाँ पे? स्थिति यहाँ पे कि वहाँ पर फोर्स झारखंड पुलिस और RTF दोनों मौजूद है और वहाँ के सीनियर DC रेलवे ट्रैक PWI ये सारे लोग वहाँ पे कार्यस्थल पर पहुँच चुके हैं, लेकिन ठंडा होने की वजह से कोई भी काम को अभी छू नहीं पा रहे हैं वो लोग वहाँ का अभी जो। हाँ, अगर हम बात करें ये माओवादी का जो माओवादी ने जो रेलवे ट्रैक को उड़ाया है, इनका उड़ाने का मकसद क्या था, किस लिए उन्होंने उड़ाया इसको? या ऐसा है कि वहाँ पे उन्होंने एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर चुका था कि भारत बंद का, और जितने भी पैसेंजर हैं मनोहरपुर गोइलकेरा, उधर गोइलकेरा में लोग फंसे हुए हैं, इधर मनोहरपुर राउरकेला बिसरा, इस तरह से ट्रेनें रुकी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmathi.com